हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम ला क्लासेज। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धारा 349, सेक्शन 349, सेक्शन 350 और सेक्शन 351, 349, 50 और 51 के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। बल, आपराधिक बल और हमला, यानी फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और एसल्ट किसे कहेंगे, एसोल्ट किसे कहेंगे। सबसे पहले 349 सेक्शन आएगी। 349 सेक्शन, 349 सेक्शन बताती है कि बल किसे कहेंगे। बल, फोर्स, फोर्स हमने साइंस में पढ़ा है कि फोर्स एफ बराबर एम में, ये फोर्स का जो है फॉर्मूला है। किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज कर देना उसे फोर्स कहेंगे, ठीक है, साइंस में। लेकिन यहां देख लेते हैं आईपीसी में क्या कहते हैं, आईपीसी में बल की क्या परिभाषा है। लगभग इसी के समान है कि ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, लेकिन किस तरह है वो देखते हैं हम। किसी भी व्यक्ति में या किसी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में या किसी पदार्थ में कोई गति परिवर्तन करना, ठीक है, पहली चीज क्या हो गई, गति परिवर्तन। दूसरी चीज उसको गति देना, ठीक है, उसको गति देना। पहली गति परिवर्तन, जिस गति से वो चल रहा है, जिस स्पीड से वो चल रहा है उसमें जो है परिवर्तन कर देना, या उसको गति देना। या तीसरी चीज क्या है, गतिहीनता। ये तीनों चीज कर देना, या तो व्यक्ति में और या किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में, ठीक है। गति परिवर्तन किसे कहेंगे, गति परिवर्तन कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है उसकी गति बढ़ा देना। जैसे कोई रथ पर बैठकर जा रहा है, अपने घोड़े के रथ पर बैठकर जा रहा है, घोड़े को चाबुक मारकर उसकी गति बढ़ा दी, ठीक है, ये गति परिवर्तन हुआ, उसको गति देना। जैसे कोई बैठा हुआ है कहीं, उसको गति देना, यानी उसको धक्का दे दिया तो गति हो गई ना, वह गति। और गतिहीनता, जैसे कोई किसी स्पीड से जा रहा है और उसको स्पीड को घटाना बल के द्वारा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की गति परिवर्तन करना, गति करना या गति में हीनता करना, व्यक्ति में या पदार्थ में, तो उसको क्या कहेंगे, बल कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कोई चीज पहने हुए है या स्पर्श करे हुए है या पहना हुआ है कोई चीज, या कोई चीज को ले जा रहा है, किसी चीज को ले जा रहा है, ठीक है, स्पर्श किया हुआ है, पहना हुआ है या ले जा रहा है, ठीक है, उसमें गति परिवर्तन करना या गति करना या गतिहीनता करना, ठीक है, ये चीजें। लेकिन ये चीजें किन साधनों से होनी चाहिए, ये तीन जो दिए गए हैं ना नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके द्वारा होनी चाहिए, तभी इसको बल माना जाएगा, तभी इसको बल माना जाएगा। ये सेक्शन 349 कहती है। कौन सी तीन चीज है, पहली चीज है कि जो ये परिवर्तन है उसकी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा हुआ हो, या तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये निजी शारीरिक शक्ति द्वारा हुआ हो, ये जो बल का इस्तेमाल हुआ है वो निजी शारीरिक शक्ति द्वारा हुआ हो, या किसी ऐसे पदार्थ के इस तरह से इस्तेमाल करने के कारण हुआ हो, किसी पदार्थ के इस तरह इस्तेमाल करने के कारण हो जिससे उस व्यक्ति में गति आ जाए या उस पदार्थ में गति आ जाए। जैसे इसके एग्जाम्पल लेंगे हम अभी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि जीव जंतु को कोई जीव जंतु को उत्प्रेरण करता है, उत्प्रेरित करता है, किसके लिए, उस व्यक्ति में गति प्रदान करने के लिए। तो यदि इन चीजों से गति में परिवर्तन या गतिहीनता या गति परिवर्तन हुआ है तो उसको बल माना जाएगा, नहीं तो नहीं, ये चीज कहता है 349। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम देखते हैं 350 क्या कहती है। सेक्शन 350,
350 बताती है आपराधिक बल के बारे में, क्रिमिनल फोर्स। ये हमने जाना फोर्स किसे कहेंगे, बल किसे कहेंगे, ये बताएगा आपराधिक बल किसे कहेंगे, आपराधिक बल किसे कहेंगे। आपराधिक बल कहेंगे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना, पहली चीज क्या हो गई, सहमति के बिना, यानी सहमति नहीं है उसकी उसके लिए, बिना सहमति, ठीक है, पहली चीज क्या है, बिना सहमति। दूसरी चीज क्या है, उसका अपराध करने का आशय, अपराध करने के लिए बल का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, वो बिना सहमति के कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज अपराध करने के लिए कर रहा है, और तीसरी चीज उसका आशय या उसको ज्ञान है कि इस कार्य से, इस बल से जो वो बल कर रहा है, इस व्यक्ति को क्या उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा या क्षोभ उत्पन्न होगा, ठीक है, भय उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा या कोई उसे इंजरी, कोई क्षति उत्पन्न होगी, इस बात का आशय है उसका, या वो इस बात की जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है कि इस चीज की संभावना है कि जो वो बल इस्तेमाल कर रहा है उसके भय, क्षोभ या क्षति उसको उत्पन्न हो सकती है, तो आपराधिक बल कहा जाएगा, ठीक है। ये बल बता दिया, अपराध करने के लिए आपराधिक बल होगा, आपराधिक बल होगा यदि अपराध करने के लिए करता है, और आशय या उसको ज्ञान क्या है कि उसमें उस बल से जो है उसको भय उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा या क्षति उत्पन्न होगी, ठीक है, ये है। अब देखते हैं एक एक चीज, इसके इलिस्ट्रेशन है बहुत सारे, एच एच इलिस्ट्रेशन तक दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ये अ कहां तक रहा है, हाँ काफी जगह है, तो इलिस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं किसके, क्रिमिनल फोर्स के। तो पहला है नाव के बारे में, पहला है नाव के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्रिमिनल फोर्स क्या होगा, बल क्या होगा, देखते हैं। नाव, कोई ए व्यक्ति है जो नाव पर बैठा है, ए व्यक्ति है नाव पर बैठा है, बी आया और उसने नाव जहां बंधी हुई है उस नाव को खोल दिया, तो गति उत्पन्न हो गई, तो बल का प्रयोग हो गया, गति उत्पन्न हो गई, बल का प्रयोग हो गया, तो यहां तक क्या है, बल का प्रयोग हो गया। अब उसके बिना सहमति से, उसके बिना सहमति से उसका इंटेंशन क्या है, उसको भय उत्पन्न करना या क्षोभ, क्षोभ क्या होता है, चिढ़, चिढ़ परेशानी, चिढ़ जिससे दूसरे को चिढ़ हो जाए, ऐसा कार्य होता है क्षोभ, इंजरी, कोई उसको इंजरी उत्पन्न हो जाए, इंजरी का हमें पता ही है, ठीक है, इंजरी क्या हो सकती है, तन मन धन और रेपुटेशन चारों की क्षति जो होगी उसको क्षति माना जाता है। तो ए जो है, ए बैठा हुआ है नाव में, बी उसकी नाव को खोल देता है, तो गति परिवर्तन हो गया, और यदि उसकी बिना सहमति से उसको भय, क्षोभ या क्षति उत्पन्न करने के लिए हो गया, तो वो हो गया क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। तो बल और आपराधिक बल में यही अंतर है। दूसरी चीज है इसमें रथ, रथ के बारे में है कि एक आदमी एक रथ पर बैठा हुआ जा रहा है, और रथ पर बैठा हुआ जा रहा है यानी कि गतिशील है पहले से ही, ये तो क्या हो गया, स्थिर हो गया, इसका किसका एग्जाम्पल हुआ, गति पैदा करने का, गति पैदा करने का नाव वाला, रथ वाला क्या है, गति परिवर्तन करने के लिए होगा। ए रथ पर बैठा हुआ है, उसके घोड़े को बी ने चाबुक मार दिया जिससे उसकी जो है गति परिवर्तन हो गई, तो क्या हुआ, बल का इस्तेमाल हुआ ना, गति परिवर्तन हो गई, यहां तक गति परिवर्तन था। लेकिन यदि वो ए की बिना सहमति के आशय ज्ञान रखता है कि उसको कोई क्षति उत्पन्न हो जाए, उसको चोट लग जाए या कुछ और हानि हो जाए, क्षति में सभी चीजें हैं, तन मन धन रेपुटेशन भी हमें पता ही है, या उसको चिढ़ उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, उसके लिए उसका आशय इस चीज का है, तो क्या होगा, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल समझा जाएगा, आपराधिक बल का इस्तेमाल उसने किया है, ठीक है। सी है जैसे कोई पालकी में बैठा हुआ, पालकी में किसी को ले जाया जा रहा है, ठीक है,
ये हमने क्या कर दिया, गति का पहला ले लिया, रथ वाला क्या है गति परिवर्तन कर दिया, जा रहा था गति थी घोड़े पर उसने मार दिया, अब हम गतिहीनता का देखेंगे। पालकी में बैठा बैठा है कोई और ले जा रहा है, ठीक है, पालकी में कौन बैठते हैं, मान लीजिए कोई विवाहित है, कोई नववधू है और वो जा रही है, कोई दुल्हन जा रही है पालकी में बैठ के, उसकी पालकियों को लूटने के लिए कुछ आदमी के ने रोक लिया, तो क्या हुआ, गतिहीनता हुई ना, रोक लिया उसको, गति थी पहले लूटने के लिए रोक लिया, तो जैसे ही उन्होंने रोका तो बल का इस्तेमाल हो गया। दूसरी चीज क्या हुआ, लूटने के आशय से रोका तो क्या हुआ, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का वहां इस्तेमाल हो गया। डी है, सड़क पर कोई जा रहा है, उसने धक्का दे दिया, कोई सड़क पर जा रहा है, मान लीजिए ए और बी ने उसको धक्का दे दिया, तो जैसे ही उसने उसको स्पर्श किया तो उसमें गति हो गई, गति पैदा हो गई, लेकिन शारीरिक चोट के लिए यानी क्षति पहुंचाने के लिए उसने धक्का दिया तो क्या हो जाएगा, आपराधिक बल का इस्तेमाल हो जाएगा। डी ये कहता है। ई कहता है कि जैसे ई के पत्थर के बारे में है, पत्थर मान लीजिए ये पदार्थ वाला आया था ना, ये पदार्थ का इस तरह से इस्तेमाल करना, पदार्थ का इस तरह से इस्तेमाल करना कि दूसरे को जो है ये चीजें हो जाए, गति परिवर्तन गतिहीनता ये चीज। तो पत्थर का क्या हुआ कि पत्थर पड़ा हुआ है लेकिन साइड में क्या है, कीचड़ है, कीचड़ है, उसने पत्थर कीचड़ में मारा और जिससे दूसरे मान लीजिए ए वहां से गुजर रहा है, बी ने पत्थर मारा कीचड़ में और ए के जो है कपड़े पर वो लग गया, तो क्या हुआ, उसे क्षोभ उत्पन्न होगा, ठीक है, क्षोभ उत्पन्न होगा ना, चिड़ उत्पन्न होगी, तो आपराधिक बल का इस्तेमाल यहाँ होगा। ई ये है। एफ है कि यदि कोई किसी का घूंघट उठाता है, किसी लेडीज का घूंघट उठाया, घूंघट में परिवर्तन किया, ये यहां का क्या था, कोई चीज पहनी हुई है, स्पर्श किया हुआ है, पहना क्या है, घूंघट पहना हुआ है, यहाँ पत्थर जिसमें वो कपड़े पहने हुए हैं, तो घूंघट को उठाया, परिवर्तन कर दिया, तो क्या हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल उसे समझा जाएगा, आपराधिक बल का यूज किया है, ठीक है। ये घूंघट वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, घूंघट किसी स्त्री का घूंघट उठाने पर क्या क्या किस चीज का इस्तेमाल हुआ, कौन सा अपराध हुआ, तो आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, बल का इस्तेमाल नहीं हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, हमला भी नहीं हुआ, हमला भी ऑप्शन में मिलेगा लेकिन आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, हमला इससे अगली सेक्शन है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई स्नान कर रहा है नहा रहा है और उसकी बाल्टी में जो है क्या मिला दिया, गर्म पानी मिला दिया, बहुत तेज गर्म पानी मिला दिया, ठीक है, तो आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ, पदार्थ का इस्तेमाल कर लिया। फिर एच है इसमें कुत्ते का, ठीक है, कुत्ते को किसी ने छोड़ दिया, कुत्ते को छोड़ा, कुत्ते को कोई भड़काता है किसी पर, कुत्ते को भड़काता है, तो क्या हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल हुआ वहां, ठीक है। इनके अलावा ये एच इलस्ट्रेशन है, इनसे दोनों ही चीजें क्लियर हो जाती है कि जब भय क्षोभ और क्षति उत्पन्न होने की संभावना है तो क्या हुआ, आपराधिक बल का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, और जब गति गतिहीनता और ये है तो ये बल तो समझ ही गए, लेकिन बल को अपराध की दृष्टि से यूज करना जिससे किसी व्यक्ति को भय क्षोभ या क्षति उत्पन्न हो तो आपराधिक बल हो जाएगा, ठीक है, आपराधिक बलों के ये एच तक इलस्ट्रेशन है जिनसे क्वेश्चन बार 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 पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, हाँ बहुत बार रिपीट होते हैं। एक इनसे अलग भी है कि ए ने बी पर थूक दिया तो क्या हुआ, हमला हुआ, बल हुआ, आपराधिक बल हुआ या इनमें से कोई नहीं, आपराधिक बल हुआ, ठीक है, आपराधिक बल हुआ।
351 देखते हैं, 351 है हमला किसे कहेंगे, एसॉल्ट किसे कहेंगे, ठीक है, एसॉल्ट किसे कहेंगे, कहां गया, सेक्शन 351 हमला, एसॉल्ट, एसॉल्ट किसे कहेंगे। देखिए जब कोई व्यक्ति की गेस्चर या प्रिपरेशन, अब ये गेस्चर क्या है, अंग विक्षेप या तैयारी, अंग विक्षेप होती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी के इशारे, जो वो बॉडी की मूवमेंट कर रहा है उनसे ऐसा लगे, ऐसा लगे कि वह व्यक्ति आपराधिक बल का इस्तेमाल, आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, ठीक है, उसका आशय या ज्ञान ऐसा है कि वह आपराधिक बल का इस्तेमाल करने ही वाला है, दूसरे व्यक्ति को ऐसी आशंका हो, ऐसा लगे कि वो आपराधिक बल का इस्तेमाल करने ही वाला है, तो उसको क्या समझा जाएगा, हमला समझा जाएगा, एसॉल्ट समझा जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, एक्सप्लेनेशन बताता है कि केवल वर्ड, केवल शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा हमला नहीं समझा जाएगा, केवल शब्द के द्वारा हमला नहीं समझा जाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे एक इसमें इलिस्ट्रेशन जब हम पढ़ेंगे, ए बी सी, इसमें तीन इलिस्ट्रेशन है, इसमें 351 में तीन इलिस्ट्रेशन है, तो तीसरा इलिस्ट्रेशन इसमें छड़ी का है कि ए जो है बी पर छड़ी लेकर कहता है कि मैं तुझे मार ही दूंगा, मैं तुझे मार ही दूंगा, छड़ी ले रहा है और मैं तुझे मार ही दूंगा, तो क्या होगा, शब्द ही कह रहा है वो, लेकिन उसकी बॉडी और उसकी छड़ी से ये पता चलता है कि वो हमला करेगा, तो यहां, यहां जो है, जो शब्द इसके गेस्चर या प्रिपरेशन के तहत आते हैं वो हमला ही समझा जाएगा, जैसे वो छड़ी लेकर कह रहा है शब्दों से कि भाई मैं तुझे मार दूंगा, तो उसको हमला ही समझा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आया है कि शब्दों के द्वारा क्या हमला हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, इसका हमले का एक्सप्लेनेशन है शब्द के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन यदि शब्दों में अंग विक्षेप और तैयारी, अंग विक्षेप और तैयारी है तो उसको जो है हमला समझा जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, पहला है मुक्के के बारे में, को दो व्यक्ति खड़े हैं और एक ने मुक्का जो है बांध लिया, तो दूसरा व्यक्ति को आशंका हो गई कि ये हमला करने ही वाला है, आपराधिक बल का यूज करने ही वाला है, ठीक है, आपराधिक बल का यूज करने ही वाला है, तो क्या कहा जाएगा, हमला कहा जाएगा, तो वह हमला होगा। दूसरा है कि जैसे कुत्ते के बारे में है, दूसरा हमने कहा था कि कुत्ते को उत्प्रेरित करना आपराधिक बल होगा, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उसके मुख बंधनी क्या होती है, आपने जानवरों के मुंह पर देखी होगी, वो जाल सा बांधा रहते हैं, बांध दिया जाता है जिससे कि वो खा ना सके कुछ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा या इधर उधर की चीजें ना खा सके, तो कुत्ते पर भी कई बार मुख बंधनी, उनके मुंह को बंद करने वाला जाल बांध दिया जाता है, तो जैसे ही वो उसे खोलेगा तो उसको हमला समझा जाएगा। जैसे कोई कुत्ता है और पट्टे में बंधा हुआ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक बल का यूज करने के लिए जैसे ही वो पट्टे से उसे खोलेगा तो समझा जाएगा हमला, तो हमला समझा जाएगा। ऐसे ही छड़ी के बारे में है कि छड़ी लेकर ये कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, तो शब्द आए लेकिन वो हमला समझा जाएगा, क्योंकि अंग विक्षेप और तैयारी उसकी दिखती है आपराधिक बल का इस्तेमाल करने की, ठीक है। और इसमें एक बार ये पूछा जाता है जैसे कि कोई
ईंट पत्थर फेंकता है तो उसे क्या समझा जाएगा? हमला समझ, वो हाँ हमला समझा जाएगा। किसी को ईंट पत्थर फेंकता है तो क्या समझा जाएगा? हमला समझा जाएगा। तो ये थी हमारे सेक्शन 349, 350 और 351, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असल्ट के बारे में। ठीक है, मुझे लगता है ये काफी अच्छे से हमने डिस्कस की है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूरी से लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी बात है पूछनी है, नहीं पूछनी है, अच्छी लगी नहीं लगी, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।